मुंह से सुनते हैं कि वैरायटी में खासियत क्या है। आज समझ लो कि जो फील्ड में हम खड़े हैं वहाँ पे 6 से 7 क्विंटल निकाला गया है, अभी 8 से 10-12 क्विंटल की अभी आने वाला है एकरी, और बाकी उसमें टिंडे भी इतने हैं। और आज 2020 में कहीं पे भी बोंडाली नहीं है, जो पिंक बाल वरम बोलते हैं वो कहीं पे भी नहीं है। आज समझ लो कि आप देख सकते हो ये पूरा फील्ड नीचे से लेके ऊपर तक इतना फूल फूला है कि नीचे से लेके ऊपर तक। तो सर आप बताइए, तो खास करके मैं ये बताऊँ कि ये जो वेराइटी है तो वो पसंद की गई है तो गुलाबी सुंडी के लिए, यानी कि पिंक बोरल के लिए, ताकि तो काफ़ी समय में जो बोंडाली आई है काफ़ी समय के लिए, यानी कि 4 साल या 5 साल से पहले ये बोंडाली की स्टार्टिंग हुई, उसके बाद से ये वेराइटी को बनाया गया है, यानी कि इसका हाइब्रिड है। जो इसका बॉन्ड साइज है वो बहुत छोटा है, यानी कि नज़दीक लगने की इसकी क्षमता है, और वेराइटी की क्षमता की जो देखी जाए तो ये थर से लेके ऊपर तक सारे बॉन्ड आते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। तो ये वेराइटी में आप देख रहे हैं कि अभी जो ये बॉन्ड साइज है ये 4.5 ग्राम 5 से 5.5 ग्राम के आसपास होगी, और इसका जो वेट है तो इसका जो बॉन्ड का वेट है वो 4.5 से 5 ग्राम है, और वेराइटी के हिसाब से देखने जाए तो ये वेराइटी खूब अच्छी और काफ़ी किसानों को पसंद आई है ये वेराइटी, तो काफ़ी सारे किसान भी हमारे पास से डिमांड कर रहे हैं, तो इसके लिए इसकी वजह से ये वेराइटी काफ़ी लोगों ने भी पसंद की है, और आपने भी हमारी ये वेराइटी लगाई है यहाँ पे, काफ़ी मुआवजत के साथ में ये वेराइटी लगाई थी, तो इसमें भी अभी काफ़ी सारा जो फूल फूला है वो दिख रहा है, और यहाँ पर कहीं भी अभी मैंने तो देखा कि कहीं पर अभी गुलाबी सूंडी का कोई दाग नहीं है, तो इसकी भी खासी आपके बोली जाए कि वेराइटी की जो ट्रीटमेंट है वो खूब अच्छी की गई है। तो समझ लो कि आपको बता रहे हैं अर्ली वेराइटी जो 2-5-6 साल से लोगों की परेशानी है पिंक बाल वरम बोंडाली, उससे परेशान लोग थे, तो उसको ध्यान में रख के आपने ऐसे सेगमेंट तैयार किया गया है अर्ली, जो नीचे से थर्ड से लेके लगता है। आज काफ़ी सारे लोग कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश, यही बात हमें बताते हैं कि सर नीचे से लगा है, आज तक हमारे खेत में कभी ऐसा कॉटन कापूस या आती भी कभी देखने को नहीं मिला, आज ऐसा देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी सारे किसान खुश है। तो आपने ये वेराइटी लोगों को दी है प्रांची गोल्डी 300 KG, सर वाकई में मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ऐसी वेराइटी, इससे भी अच्छी वेराइटी आप अभी किसानों के लिए बनाना, क्योंकि किसानों को एक ऐसी चीज़ चाहिए अच्छी यील्ड देने वाली, उसके लिए हम हमारे पास समझ लो कि जो ज्यूरस है केटा है, तो इसमें समझ लो कि ज्यूरस है एक ऑर्गेनिक बैक्टीरिया कल्चर है, जो आज ज़मीन की फर्टिलिटी जो बिगड़ गई है तो फर्टिलिटी बढ़ाने में ज्यूरस बैक्टीरिया काम करते हैं, उसमें 32 प्रकार के बैक्टीरियाज है, तो उसमें टाइकोडर्मा सुडोमोनास वीडी ऐसे 32 प्रकार के बैक्टीरियाज है ज्यूरस के अंदर 32 प्रकार के, तो उसके साथ साथ हम केटा दे रहे हैं, केटा समझ लो कि कार्बन बढ़ाने की क्षमता बढ़ाता है, जो बैक्टीरिया जो नीचे ज्यूरस दिया उसकी कार्बन मैटर बढ़ाने में काम करता है, तो ज्यूरस केटा एक ऐसी कॉम्बिनेशन जोड़ी है, तो ड्रिप से या पानी के साथ दिया जाए तो एक ज़बरदस्त पाक में हरापन ग्रीनस और पाक क्रॉप अपना बैलेंस में रहता है, और ऊपर से हम सीजर शूटर विटारा जैसी दवाई का करवाते हैं, तो आज समझ लो आज ये फील्ड आप देख रहे हो, बगल का फील्ड देखो तो उसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि वो लोग हमारी ट्रीटमेंट नहीं मानते, वो अलग वेराइटी है, तो उसमें समझ लो 5 क्विंटल 6 क्विंटल निकलना एक रही मुश्किल है, तो आज इसमें समझ लो 6-7 क्विंटल निकल गया, 8-10 क्विंटल की अभी आएगा, उसके बाद भी समझ लो 4-5 क्विंटल आएगा, उसके बाद सेकंड फ्लैश के लिए एक कॉटन तैयार हो गया, सेकंड फ्लैश आने वाला है एक कॉटन में, तो लोगों के लिए यही अच्छी बात है, लोग बोलते 22-25 क्विंटल एक ही बार में नहीं आता, इस तरह से बार बार लेना पड़ता है, इसकी बार बार ट्रीटमेंट, मतलब सेकंड फ्लैश लेना पड़ता है तब आता है, तो लोगों के लिए एक समझ लो कि कामयाब वेरायटी है, पिछले 4 सालों से हम लोगों को ये दे रहे हैं, आपने अच्छी वेरायटी हमें दी है प्रांची गोल्डी 333, तो हर एक किसान भाइयों को जो ये वेरायटी लगानी लेनी है तो आपको ये कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दो या हमें हाई लिख के मैसेज करो, इसमें ये वीडियो में भी हम हमारा नंबर देंगे, उसमें भी आप हमें हाई लिख के मैसेज कर देना, तो उसमें भी हम आपको लिंक देंगे, उसके थ्रू हम आप तक ये बीज पहुँचाएंगे जरूर। कौन सी वेरायटी है ये? प्रांची गोल्डी 333 है। प्रांची गोल्डी है, इसका कैरेक्टर क्या है सर? इसका कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि नीचे से लेके ऊपर तक बॉन्ड लगते हैं। अच्छा सर। और उसको समझ लो कि एकदम नजदीक बॉन्ड लगते हैं, तो आप देख सकते हो, तो एकदम जो ये नजदीक बॉन्ड आए हैं वो अर्ली है वो लेट
अर्ली है, अर्ली है तो पिंक बॉर्डर के लिए वो अच्छी है ना वेरायटी। तो पिंक बाल वर्म के लिए आज आप खुद देख सकते हैं पूरा। पिछले साल कुछ को लगाया था किसान को? नहीं, काफी सारे लोगों ने पिछले साल 200,000 पैकेट हमारे लगे थे। डिमांड कर रहा है और जबरदस्त डिमांड है सर। अच्छा सर, तो दूसरे फील्ड से बढ़िया है? अरे आज सर कर्नाटक से लोग बोल रहे हैं, वहाँ से लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, अभी से सर आप बीज देना शुरू कर दो। अच्छा सर, कर्नाटक में आज इतनी डिमांड है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है। अच्छा।